रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो बात ठीक है कि रिप्रेजेंट करने में काफी अच्छा लग रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ मतलब बढ़िया मतलब उंदा। लेकिन पीने के बाद उसकी क्वालिटी पता चलती है एक्चुअली कि उसकी थिकनेस है क्या। वेलकम बैक टू द अदर ब्लॉग ऑफ फ्यूजन बाइट। तो जी आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही परफेक्ट डाइनिंग का। यू कैन चेक इट आउट द नेम ऑफ दैट कैफ़े, इट इज़ अ कैफ़े एक्चुअली, और आप देख सकते हैं ये है द कैफ़े एंड हब एंड हियर इज द डाइनिंग प्लेस द प्रेमिसेस, यू कैन चेक इट आउट। तो चलिए करते हैं मेन्यू से कुछ फूड आइटम्स ऑर्डर। तो हर्ष भैया राइट, आपको कितना टाइम हो गया इस कैफे को रन करते हुए? सेवन टू एट डेज एंड रियली इट्स सीम्स वेरी गुड यार। मतलब तो आपको मतलब आइडिया कैसे आया? एक्चुअली टू एंड हाफ ईयर अगो लॉकडाउन से पहले मैं प्लान कर रहा था एक फ्रेंचाइजी स्टोर के। ओके मैं इस लाइन में था ही नहीं एंड उससे बाद आपको प्लानिंग आपकी काफ़ी टाइम से चल रही थी। प्लानिंग एक्चुअली टू एंड हाफ ईयर, आई थिंक इट्स थ्री ईयर नाउ। ओके प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। अच्छा तभी पुरानी यादें दब जाती हैं। कोई नहीं अब हो गया वो मतलब ड्रीम कम्स ट्रू वाला जो लाइन है एक्चुअली वो हमारे ऊपर लागू हो चुकी है। हम बोल सकते हैं ड्रीम कम्स ट्रू एक्चुअली। आर गेटिंग द हाका नूडल्स एंड द दैट महाराजा बर्गर, व्हाट इज दैट नेम? सुप्रीम बर्गर। व्हाट, अभी हम बात ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज़्यादा भूखे हैं। सो वी विल स्टार्ट द मील फर्स्ट एंड वी विल टेल यू द टेस्ट। ओके यू कैन चेक इट आउट दिस हाका नूडल and these are the fries with the that burger and it is really tempting actually, you can see. We have already ordered few more items, we'll let you know about it. We'll have it the haka noodles, you can check it out yaar, fragrance काफी अच्छी आ रही है। रेड एंड येलो, इवन दो ग्रीन इज द कैप्सिकम, फ्लेवर काफी ऑथेंटिक है। अनियन इज वेल राइट, अनियन इज वेल। क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी प्राइजेस दोनों सफिशियंट हैं। तो प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस हाका नूडल, बट क्वालिटी इज रियली गुड ट्रस्ट मी। यहाँ मैं
आपको रिव्यू इसलिए दिखा रहा हूँ, उससे पहले मैं टेस्ट करके जा चुका हूँ, सो इट इज़ रियली गुड। आई हैव इट वन मोर, हर्ष भैया प्लीज लीजिए, मैं एक बार और देता हूँ। परफेक्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो बारीकी से देखी जाती हैं है ना। इस चीज़ में जो हक्का नूडल में सारी चीज़ें बैलेंस की गई हैं, ऐसा ही नहीं है कि नॉर्मली क्या होता है कि हाँ भाई ऑर्डर है, आपने इतना अच्छा प्रेमिसेस बना लिया है और आप उसको कैसे भी प्रेजेंटेशन कर लो, तो यहाँ पर मैंने ये नोटिस करी है कि हर चीज़ को बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। जो डिज़ाइन किया है वो हर्ष भैया ने किया है, एंड इट इज़ रियली गुड। बिग थम्स अप फॉर दी हक्का नूडल। सो अभी हमारी सेकेंड मील है, ये देखिए आप अगर मुझे नहीं पता कि मैं इसको खाऊंगा कैसे, बिकॉज इट्स वेरी ह्यूज, बट आई यूज द ट्रिक। ये आप देखिए, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, ग्रेट सक्सेस, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, एंड आई कैन हैव इट इजीली एक्चुअली। Now it is आलू पेटी बर्गर। अभी मैं इसको एक खाने के बाद में then I'll try it. Second बर्गर। Great. काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए बर्गर बन then चीज स्लाइस then कॉटेज चीज आलू पेटी एंड देन दैट वेजिज लेट्यूस। पनीर आलू पेटी चीज स्लाइसेस एंड बिफोर दैट आल्सो चीज स्लाइसेस एंड आफ्टर दैट जलपीनो। जलपीनो एक्चुअली बर्गर को थोड़ा सा एनहांस करता है इसकी क्वालिटी। सो हियर वी हैव द डे नाइट वेफल, ये है अपना। हाँ भैया बताएंगे, मुझे एक्चुअली पता नहीं है। हाँ तो भैया बताएंगे अपना, इज इट चॉकलेट वेफल एंड इज इट रॉ वेफल, राइट? ओके, सो वनीला आइसक्रीम, ओके, इज चॉकलेट आइसक्रीम, a combination of chocolate and vanilla ice cream cube. Okay. आपके vanilla के आपके crumbs हाँ and इधर chocolate के chocolate chips हैं, caramel है ऊपर and Hershey's का syrup chocolate। भैया ने explain काफी अच्छी तरीके से किया है, but यार मेरा focus actually यहाँ था that melting point। ये देखिए melting point, it is a kind of lava जो निकल रहा है और बोल रहा है कि भाई मुझे खा लो।
सी अटेम्प्टिंग। हम लोगों ने क्या किया, शेक को इतना थिक बनाया, प्लास्टिक की स्ट्रॉ जो मार्केट में बिकती है, जब लोग उसे यूज करते हैं तो वो ऐसे बंद हो जाती है तो कुछ आता ही नहीं। अग्री और ये कस्टमर की कंप्लेंट आई मेरे पास। दैट डे मैंने तुरंत रिप्लेस किया पेपर स्ट्रॉ से, क्योंकि पेपर स्ट्रॉ से हम जब खींचते हैं तो वो ऐसे बंद नहीं। और ये इतना ज़्यादा थिक होता है कि कस्टमर एक पीने के बाद में बोलता है कि हाँ पेट भर गया। डेली मतलब इंसान सोचेगा इसको, इतने सारे मील के बाद में इंसान सोचेगा भाई अब तो कोई ना कोई होना चाहिए शेयर के लिए। सो ये हमारा शेक है बेल्जियम डार्क लंच। एंड आपको मैं इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, ये देखो। सो दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ शेक, मिल्क शेक कह सकते हो आप या थिक शेक कह सकते हो। शेक एक्चुअली काफ़ी जगह अब तो कॉमन हो गया हर जगह, बट इसकी जो क्वालिटी देखी जाती है वो थिकनेस पे देखी जाती है, क्योंकि काफ़ी जगह अगर आपने स्ट्रॉ को स्टार्ट किया और वो अंदर पेट के इतनी फुर्ती से अंदर जाता है ना भाई, वो पूछो ही मत ही। बट यहाँ आपको थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। सो क्वालिटी, अगेन द क्वालिटी, थिकनेस काफ़ी अच्छी है एक्चुअली शेक की जो होनी चाहिए। एंड लेट मी हैव इट डन। आपको भी मैंने बोला था, लेट मी रिपीट, फोर्स लगाना पड़ेगा आपको शेक को पीने के लिए। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी। छोटे छोटे ना चंक्स आ रहे हैं चॉकलेट के, जो शेक को अलग करता है क्वालिटी वाइज। हाँ ये ग्लासेस देख सकते हो आप, ये देखिए चंक्स। सो ऑल इन ऑल मैं ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं, प्राइजेस जस्टिफाई करते हैं क्वालिटी को और वही चीज़ देखी जाती है इफ यू थिंक दैट। सो एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, वीडियो को हम यहीं करेंगे एंड। टिल देन कीप लविंग द वीडियो एंड प्लीज़ कॉमेंट में मैंशन करना इफ़ यू विजिटेड द प्लेस, अगर नहीं आए तो आप करिएगा। और प्लीज़ मुझे एक बार विजिट करने के बाद में कमेंट में मेंशन कीजिएगा दैट डू यू फाइंड द सेम थिंग विच आई एम टेलिंग यू ओवर द वीडियो। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।